दोस्तों, सुबह स्टार्ट फ्रॉम इंजान। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, जो डेली का रूटीन होता है सब आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, सुबह स्टार्ट फ्रॉम इंजान। देखिए, हमारी सभी गौ माता अभी दोस्तों दोपहर में चारे की मौज लेती हुई सभी अभी थोड़ी देर में दोस्तों वापिस आएंगे। दोस्तों देखिए, चारे की मौज लेती हुई हमारी सभी गौ माताएं। और ये दोस्तों, ये प्लॉट में अभी बहुत ज़्यादा अभी बबूल के पेड़ लगे हैं, और पहले भी चालू भाई इसी प्लॉट में सभी गौ माता को चराते थे। देखिए दोस्तों, अलग ही मौज है देखिए हमारी गौ माता की। अब इनको पता है टाइम हो जाएगा तो तुरंत अभी खुद के वाड़े में पहुंच जाएंगी सभी गौ माताएं। हमारे वनवास ही गौ माता को घुमाते हुए दोस्तों अभी छाँव में बैठे हैं। अभी टाइम हो गया इनका भी खाना खाने का। अभी सभी गौ माता जाएंगी खुद के इनके वाड़ों में दोस्तों। और ये नंदी महाराज हमारे, देखिए दोस्तों अभी सभी गौ माता वापिस आ गई हैं चारा खा के दोपहर का टाइम। अभी सभी दोस्तों पानी पियेंगे, देखिए पानी पे जा रही हैं नंदी महाराज, और सभी अपनी मौज में अभी पानी पियेंगे दोस्तों हमारी गौ माताएं। इसके बाद वो अपने गौ माता का वाड़ा है वहाँ पे जाएंगी और 3 बजे फिर से निकलेंगे दोस्तों। दोस्तों अभी जोगराशी ने अभी हरे घास की कटिंग कर ली है दोस्तों, और घास है और साथ में गजरा भी है, दोनों अभी साथ में दोस्तों लेने के लिए आए हैं जोगराशी कटिंग करके। अभी दोपहर में सभी अश्वों को देंगे दोस्तों। अभी जोगबा देखिए दोपहर के चारे मिक्स करते हुए दोस्तों सभी अश्वों को दोपहर का 3 बजे का चारा देंगे। यहाँ पे चालू हो गए हैं, और आज करमदीप भी आए हैं, पाणेज मेरे और तम्बा और सत्तू और करमदीप आज ट्रैक्टर लेके चारा भरने जाने वाले हैं मूंगफली का। करमदीप जाओगे? देखिए अभी 3 बजे के चारे की मौज लेते हुए सभी अश्व, और इसी बंदर बाकी हैं वो हम थोड़ी देर में देंगे। वहाँ पे पद्मा श्याम केसर सभी को आ गए दोस्तों। यहाँ पे कंकु भी मौज में खा रही है हरी घास की मौज दोस्तों ले रहे हैं सभी अश्व। तो धनवी के पैर में अभी भी दोस्तों थोड़ा सा जख्म लग गया है दोस्तों इसके डाबे में, देखिए ये पैर में। और अभी हम थोड़ी देर में इसको साफ सफाई करेंगे और फिर इसमें दवा डालेंगे। थोड़ा सा जख्म लगा है दोस्तों अंदर ढाबे में, अभी दवा करने वाले हैं थोड़ी देर में। देखिए अभी मस्ती टाइम, करमदीप की मस्ती, लक्ष्मी का अभी तंग करता हुआ करमदीप देखिए, और यहाँ से खींच रहा है और बाहर निकल रहा है। देखिए लक्ष्मी भी कुछ नहीं कहती क्योंकि इसको पता है छोटा बच्चा है दोस्तों। देखिए अलग ही मौज है करमदीप की। हम धनवी का इलाज करने वाले हैं दोस्तों, देखिए जोग रह जा गया है दोस्तों। आपको मैं दिखा दूँ, अभी हमने दवा भी डाली थी, पैर उठा था जोग रहा देखिए। और इस पैर में दोस्तों इसको चिवाक भी है और थोड़ा सा खरोच भी लगी हुई है, देखिए जख्म भी है। अभी हमने इसमें आती छाप जो फिनाइल आती है वो डाली है देखिए। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे नंदी महाराज, और दोस्तों ज़्यादा सभी नंदी महाराज है देखिए दोस्तों, भी बहुत ज़्यादा नंदी महाराज हो गए हैं दोस्तों। छोटे छोटे गौ माता है छोटी सी, देखिए दोस्तों ये गौ माता है, बाकी सब छोटे छोटे नंदी महाराज हुए हैं दोस्तों। अभी ये जर्सी का है जो हमारी बड़ी जो जर्सी है उसका दोस्तों, और जो हमारी ब्लैक क्वीन है उसका बछड़ा है दोस्तों छोटे नंदी महाराज का टाइम। अभी सभी गौ माता 2-3 दिन इसमें हम छोड़ेंगे, ये जो प्लॉट है इसमें यहाँ पे खिलाएंगे दोस्तों चारा, क्योंकि ये प्लॉट अभी 2-3 दिन में हर निकालने वाला है इस जमीन पे। देखिए सभी गौ माता अभी शाम का टाइम अभी जा रही हैं वापस। अभी दोस्तों दूध निकालने का टाइम हो गया है सभी गौ माता का, देखिए सब एक एक लाइन में ही निकलती है दोस्तों। स्टार्ट फ्रॉम इंजान दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कल एक नए ब्लॉग के साथ आपसे जुड़ते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सो स्टार्ट फ्रॉम इंजान।